व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है प्रमाद। यदि प्रमाद नाम का तत्व, अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, कोई इस तरह का कोई केमिकल सॉल्ट हार्मोन निजात नहीं कर पाए हैं कि एक बार व्यक्ति में इंजेक्ट कर दो और जिंदगी भर के लिए प्रमाद गायब हो जाए। यदि ये एंटी प्रमाद कोई वैक्सीन निकल जाए तो मैं मानता हूं कि इस धरती पर सबसे बड़ा काम हो जाए। सुबह से लेकर के शाम तक मैंने देखा है, किसानों को प्रमादी देखा है, खेतों में झाड़ झंकाड़ उगे हुए हैं, फसल लगा दी, समय से काटते नहीं, समय से बोते नहीं, समय से पानी नहीं देते हैं, संभालते नहीं, खेत उजड़ गए, घरों को संभालते नहीं, घर उजड़ गए, कुटुंब उजड़ गए, माता पिता पति पत्नी संबंध सब खत्म हो गए प्रमाद, बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो गए प्रमाद, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक साम्राज्य इसलिए खत्म हुए दुनिया में प्रमाद। विलासिता आ जाती है, आदमी भोग विलासों में और ऐशो आराम में, ये दुनिया की समस्या है, खाली एक भारत की बात नहीं कर रहा। और जिस देश ने इस प्रमाद को त्यागा, इज़राइल के लोग 99% पुरुषार्थी होते हैं, वही अफ्रीका के लोग खूब प्रमाद में पड़े, वो भारत से भी 500 साल पीछे हैं। अभी मैं गया हूं अफ्रीका में, अफ्रीका की मैक्सिमम व्यवस्थाएं अभी भी कुछ पुरुषार्थी भारतीयों ने संभाल रखी है, वहां शिक्षा चिकित्सा उद्योग और हर चीज में इनका हस्तक्षेप है, खेती सब चीजों में। अमेरिका के नागरिक और पुरुषार्थी हैं, चीन में भी ज्यादातर पुरुषार्थी हैं, जापान में बहुत ज्यादा पुरुषार्थी हैं, वहां जैसे यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में जापान में लोग जेनेटिक की बात करते हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर चोरी चकारी और जो भी गलत काम करते थे उनको उठा करके एज ए जेल बना रखा था, चारों ओर समुद्र, वहां से कोई निकल नहीं सकता, तो वहां चले जाकर मैं कोई छोड़ देते, बल्कि सुधर नहीं सकते, यहां छोड़ दो इनको। और वो ऑस्ट्रेलिया के लोग आज जो है कहां जेनेटिक स्ट्रक्चर है भाई, बुरी चीजें तो मैंने कहा सबके भीतर है। देखो जापान को, देखो साउथ कोरिया को, उसके साथ में नॉर्थ कोरिया भी है, मामला गड़बड़ है, पड़ोस में ही है दोनों, आमने सामने। प्रमाद जिस राष्ट्र में आता है वो राष्ट्र ध्वस्त हो जाता है, पराजित हो जाता है, बेबस लाचार गरीब हो जाता है। पुरुषार्थ जहां आता है वो व्यक्ति समाज राष्ट्र प्रगति के नित नए सोपान चढ़ता है। प्रगति कहते हैं किसको है, उत्कृष्ट गति, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, प्रगति प्रगति, और जहां गति नहीं वहां दुर्गति, इतनी सी बात है। सबसे बड़ी बाधा हमारी क्या है बोलो, जोर से बोलो, प्रमाद।